यूपी में चुनाव नज़दीक हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं यूपी में कांग्रेस की किसान यात्रा जारी है, जो 5 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। यूपी में 27 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने दांव अब किसान वोट बैंक पर लगा दिया है। खुद राहुल देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ और बिजली का बिल हाफ। राहुल की ये किसान यात्रा 5 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ऐसे में यात्रा खत्म होने के बाद माहौल बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने प्लान किया है कि 6 अक्टूबर को किसान के मुद्दे पर एक मेगा रैली की जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर को किसान यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस 6 अक्टूबर को मेगा रैली करने की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राहुल किसान यात्रा के दौरान यूपी में सपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कैमरामैन कन्हैया के साथ हर्ष भारद्वाज, जेके चैनल, दिल्ली। उरी में हुए आतंकी हमले से जहां पूरे देश सकते में है और हर रोज एक नया नया मामला सामने आता है, इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सिंगर गुड़गांव में परफॉर्म करने वाले थे, जिसको लेकर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के लीजेंड सिंगर आतिफ असलम का गुड़गांव में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट गुड़गांव के 15 अक्टूबर को होने वाला था। कॉन्सेप्ट एंटरटेनमेंट के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम को भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। आतिफ असलम 15 अक्टूबर को गुड़गांव में एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले थे, जिनके कॉन्सर्ट को रोक दिया गया है और ये भी कहा गया है कि यदि वो कार्यक्रम में जाते हैं तो या तो उनके ऊपर जूता फेंका जाएगा या तो अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पूजा दुबे, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर एक समारोह आयोजित किया गया था। यहां पर बोलते हुए अमित शाह ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही चाचा भतीजे की लड़ाई पर बोलते हुए उन्होंने तंज भी कसा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार पर मथुरा में जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा है कि सपा सरकार में चाचा भतीजा जमकर लूट कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में प्रदेश का विकास संभव नहीं है। शाह मथुरा के दीनदयाल धाम में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह को संबोधित कर रहे थे। शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यूपी में चाचा भतीजे की सपा सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि प्रदेश का विकास सपा सरकार में चाचा और भतीजे नहीं करवा सकते। हालांकि उन्होंने यहां पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी के साथ उनका साथ दे। कैमरामैन कन्हैया के साथ प्रकाश फुलारा, दिल्ली से।